Hey everyone, I am Spardha and you are welcome back to my channel The Inside Wonder. So, आप सभी को The Inside Wonder की ओर से गणपति उत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। गणपति उत्सव में हम सभी लोग भगवान गणपति को अपने घर लाते हैं, यथासंभव उनकी सेवा करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मंगल मूर्ति हमारे घर में आकर के सब कुछ मंगलमय करेंगे और इसके साथ ही जैसा कि वो विघ्न हरता है तो हमारे जीवन में आने वाले सभी विघ्नों को वो हर लेंगे। तो जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जब भी आप गणपति को घर लाते हैं तो उन्हें विशेष रूप से अपनी मनोकामना के अनुसार वो क्या चीज़ अर्पित करें जिससे आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि भगवान गणपति बुद्धि और विवेक के देवता हैं। इसके साथ ही वो विघ्न हरता है, किसी भी काम में आने वाले विघ्नों को वो समाप्त करते हैं। इसके अलावा वो मंगल मूर्ति भी हैं। आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम हो, शादी विवाह से जुड़े हुए कोई बात हो, इन सारी चीज़ों के लिए भी गणपति को सबसे पहला स्थान मिलता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विघ्न के ही। और एक बात और मैं बताऊँ कि जैसा मैंने कहा भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं, तो सप्ताह का दिन तीसरा दिन बुधवार इनको समर्पित है। तो जब भी आप गणपति की आराधना के लिए कोई दिन चुनना चाहते हैं तो वो दिन होना चाहिए बुधवार। बुध हमारी बुद्धि को रिलेट करता है, इसलिए भगवान गणपति के लिए वह दिन सबसे बेस्ट है। तो जो भी कुछ मैं बता रही हूँ, स्पेशली अगर आप वो हर बुधवार को करें या कम से कम 7 बुधवार को करें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा, फलदायी होगा वो। लेकिन आप फिर भी आप इसे गणपति को क्या अर्पित करें, किस मनोकामना की पूर्ति के लिए यह सोचकर भी करेंगे तो भी आपके लिए वो फलदायी ही हैं। तो जैसे मैंने बताया कि भगवान गणपति विघ्न हरता है, तो अगर आपके जीवन में लगातार मुसीबतें आ रही हैं, अगर कोई काम करते हो उसमें विघ्न आ जाती है, वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है, आप संकल्प लेते हो उस काम को पूरा करने के लिए, किसी ना किसी अनचाहे रीज़न से वो काम हो नहीं पाता है, तो आप भगवान गणपति को सिंदूर ज़रूर अर्पित करें। उन्हें सिंदूर अर्पित करते हुए इस मनोकामना को मन में रखें कि ये चीज़ मैं काम करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ और आपकी कृपा होगी तो ये काम पूरी तरह से विघ्न विघ्न से परे होकर के वो सिद्ध होगा। और इस तरह से इस मनोकामना के साथ अगर आप गणपति को सिंदूर अर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना सिद्ध होती है। इसलिए विघ्न को हरने की बात जहाँ आई वहाँ गणपति को सिंदूर अवश्य चढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, जैसे अगर आपकी लाइफ में ग्रह का कुछ विशेष ग्रह का नकारात्मक प्रभाव आ रहा हो जिसके कारण से आपका प्रोग्रेस रुक गया हो, जैसे मैं बताऊं कि भगवान गणपति जो हैं उनका जो वार है वो बुधवार है और जो ग्रह जिससे वो रिलेट करते हैं वो है बुध। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कोई बातें ऐसी होती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई ग्रह दोष लग रहा है, कोई काम हो नहीं पा रहा है, और जब हम ज्योतिषी या पंडित को दिखाते हैं तो वो बताते हैं कि आपको बुध की महादशा चल रही है या बुध से रिलेटेड वो कोई चीज़ बताते हैं आपको। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ख़ास तौर से देखिए बुध जो है, मैं तो आपको बताऊं कि बुध कहीं ना कहीं बिजनेस वगैरह को भी अफेक्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स अगर हैं तो बुध जो है वो जो ग्रह है वो पढ़ाई लिखाई बुद्धि की जो प्रखरता है इसे जो है वो दिखाता है, दर्शाता है, तो उसे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और ऐसे में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस तरह की चीज़ें हैं, किसी ने आपको कहा कि आपको बुध से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो आप भगवान गणपति की आराधना में लग जाइए, ख़ास तौर से अगर स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अगर आपने बिजनेस सेटअप किया है, आप चला रहे हो, तो मे बी पॉसिबल 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद आपका बिजनेस रन करने लगे। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका एक एक क्षण बहुत कीमती है, तो आप मेहनत के साथ में अगर आप भगवान गणपति की आराधना करते हैं ख़ास तौर से बुधवार को और उनका प्रिय मोदक उनको चढ़ाते हैं तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और बुध से डायरेक्ट रिलेट करते हैं
भगवान गणपति, इसलिए गणपति को ज़रूर याद करें, स्टूडेंट्स ज़रूर याद करें, और बुध ग्रह के जितने भी नकारात्मक प्रभाव हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, वो भगवान गणपति की कृपा रहेगी। तो बुध के नकारात्मकता ख़त्म करें भगवान गणपति को याद करके। इसके साथ ही मैं बता दूं कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं और नौकरी में ही आपको ऐसा लग रहा है कि आप असफल हो जा रहे हैं, या फिर नौकरियां जो हैं आपको मिल रही हैं छूट जा रही हैं, इस तरह का भी अड़चन आ रहा है, तो भगवान गणपति की आराधना से वो बिल्कुल सही हो सकता है। आप रुद्राक्ष उन्हें अगर अर्पित करते हैं और भगवान गणपति की आराधना करते हैं तो नौकरी से रिलेटेड चीज़ भी वो सही हो जाती है। जैसा मैंने बताया कि बुध जो है वो पूरी तरह से बिज़नेस को अफेक्ट करता है, तो आप बिज़नेस या नौकरी से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप जान जाइए कि मतलब भगवान गणपति के लिए आपको जो है वो डेडिकेटेड होना है, और आप गणपति की आराधना करें, उन्हें रुद्राक्ष अर्पित करें स्पेशली बुधवार के दिन, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आपको इसके लाभ जल्दी देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही जैसे गणपति का प्रिय है पान और सुपारी, पान सुपारी एक ऐसी चीज़ है जो भगवान गणपति माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, दिवाली में भी हम इसे यूज़ में लाते हैं। तो मैं बता दूं कि बुध ग्रह जो है ना वो रिलेट करता है हरे रंग के साथ में, तो हरे रंग की चीज़ें जैसे मैंने आपको कहा कि बुधवार जो है वो भगवान गणपति का है, और बुध का ग्रह जो है बुधवार का ग्रह है बुध, स्वामी है उसका बुध, और उसका जो कलर होता है ना वो होता है ग्रीन, तो ग्रीन से रिलेटेड चीज़ें भी आपको चढ़ानी चाहिए। जैसे मैं बताऊँ कि पान सुपारी धन का प्रतीक है, अगर आपके घर में धन की कमी हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि बुद्धि विद्या तो भगवान देते ही हैं, ख़ास तौर से आपको लगता है कि बुद्धि विद्या के साथ थोड़ी धन की भी आवागमन होनी चाहिए, तो आप वहाँ भगवान गणपति को ज़रूर याद करें। आप देखते हैं कि दिवाली में भी हम माँ लक्ष्मी के साथ भगवान गणपति को याद करते हैं, तो इस तरह से अगर आप उन्हें पान और सुपारी अर्पित करते हैं और ख़ास तौर से बुधवार के दिन करते हैं, कम से कम 7 बुधवार लगातार करते हैं, तो धन का जो आवागमन जो है आपकी लाइफ में वो अगर कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो भी ठीक हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखें कि धन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो भी आप भगवान गणपति को याद कर सकते हैं। गणपति महाराज को दुर्वा काफ़ी ज़्यादा प्रिय है, ये आप सभी को पता है, हम उन्हें अगर जोड़ों में दुर्वा चढ़ाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा शुभफलदायी है। जोड़े जो हैं वो 11 दुर्वा के हो सकते हैं और 21 दुर्वा के भी हो सकते हैं, मतलब 21 जोड़े और 11 जोड़े, ये बहुत ही अधिक शुभफलदायी होता है। मैं आपको बताऊं कि अगर आपको जीवन में विद्या की कमी आ रही हो, विद्या और बुद्धि से रिलेटेड चीज़ें जो हैं आपके लिए इशू हैं, जैसे मैं आपको फॉर एन एग्ज़ाम्पल अपना ही देती हूँ, जैसे अगर कोई मेरी कुंडली देखता है और या मैं किसी को दिखाती हूँ, जो लोग मुझे करीब से जानते हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है कि विद्या को लेकर के मैं हमेशा आगे ही रही हूँ, हमेशा मेरी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा रुचि रही है और आगे भी रही हूँ, ना ही सिर्फ रुचि रही है आगे भी रही हूँ। लेकिन क्या होता है मेरे साथ कि जब भी मैं किसी डिग्री को परस्यू करने जाती हूँ, किसी डिग्री को हासिल करने जाती हूँ, तो मुझे बहुत बाधाएँ आती है, मतलब इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ, इंटरव्यू कर लूँ, लेकिन वो डिग्री मुझे नहीं हासिल होती है। सारी चीज़ें हो जाती हैं, सब कुछ फिट हो जाता है, उसके बाद भी, क्योंकि ये मेरे साथ 2-3 बारी ऐसा हो गया है जिसको लेकर के मैं काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहती थी, लेकिन अब जब से मैंने YouTube पर ध्यान देना शुरू किया, और दूसरी बात कि आप शायद आपको ना मालूम हो लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं YouTube के अलावा कई और प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जिसमें मैं टीचर एज अ टीचर हूँ, वहाँ पर ऑनलाइन एजुकेटर हूँ। मैं एक वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी, अगर आप भी चाहते हैं घर से कुछ ऐसा परस्यू करना कि आप ऑनलाइन टीचिंग के क्षेत्र में कुछ नाम बनाना चाहते हैं, कुछ पार्ट टाइम अर्निंग करना चाहते हैं, तो मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो दूंगी और मैं आपको कुछ कॉन्टैक्ट्स भी शेयर करूंगी जिसके सहारे आप आगे बढ़ सकते हैं और आप एक अच्छी अर्न कर सकते हैं। तो खैर, यहाँ मैं बात कर रही थी कि मुझे डिग्रियाँ हासिल नहीं हो पाती है, मैंने इंटरेस्ट क्लियर कर लिया, मैंने सारे एग्ज़ाम्स अच्छे दे दिए, क्लियर कर लिए, मुझे डिग्री नहीं मिल पाती है, वो जो पेपर होता है ना वो मुझे नहीं मिल पाता है, तो ये मेरे साथ 2 बार हो चुका है। तो इस तरह के अगर इश्यूज आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो बस भगवान गणपति के शरण में जाइए, आपको डिग्री मिलना स्टार्ट हो जाएगा। भगवान गणपति को आप दुर्वा अर्पित करें, 11 और 21 की संख्या में जोड़े बनाएं, और इस तरह की अगर आप दुर्वा अर्पित करते हैं और भगवान गणपति से प्रार्थना करते हैं, ख़ास तौर पर बुधवार के दिन,
और आप बुधवार के दिन लगातार करते हैं, अगर प्रयासरत है, आपको लग रहा है कि वो डिग्री आने वाली है, बस आने बस चली आती, आपको बहुत इंतज़ार है, तो आप लगातार इस काम को करें, बुधवार के लगातार काम करें और आप भगवान गणपति की कृपा से आपको वो डिग्री ज़रूर हासिल होगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मेरे से भी रिलेट कर रही थी कहीं ना कहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर कर दूँ इसे। तो इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आपके जीवन में कर्ज काफ़ी ज़्यादा है, आपको कर्ज से छुटकारा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो ख़ास तौर से अगर आपको कर्ज से छुटकारा नहीं हो रहा है तो आप मूंग दाल को दान दे सकते हैं बुधवार के दिन किसी गणपति भगवान के मंदिर में। मूंग दाल जो है वो हरे रंग का होता है, इसलिए बुधवार से रिलेट करता है वो। तो आप इस तरह से अगर आप दान देते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको कर्ज से छुटकारा जो है वो दिलवाता है। भगवान गणपति से प्रार्थना करेंगे अगर, तो आप इस तरह के इश्यूज़ को अपने लाइफ में सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरह से हरे रंग की चीज़ें आप दान में दें, अगर बुध से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, हरी सब्जियां अगर आप दान करते हैं, दाल में मैं बताऊं कि मूंग का जैसे मैंने कहा हरी सब्जी अगर आप दान करते हैं तो आपको सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। तो आप मंदिर में दान कर सकते हैं, आप भिक्षुओं को दान कर सकते हैं। ख़ास तौर से अगर आप गाय को हरी हरी घास खिलाते हैं तो वो आपकी धन संपदा को मतलब वृद्धि करता है। तो ये बुध भगवान से और बुध ग्रह से और ये गणपति भगवान से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो हरे रंग वाली चीज़ों पे आप जोर दें। इवन आप कोशिश करें कि आप इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं तो हरे रंग का भी कपड़ा पहने और बुधवार के दिन ख़ास तौर से हरे रंग को यूज़ करें। इस तरह से आप जो है काम करें। इसके अलावा मैं बता दूं कि अगर आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, आप चाहते हो कि वो मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो सके, तो आप भगवान गणपति को अगर गुड़ अर्पित करते हैं या मीठी चीज़ में मोदक भी, जैसे मैंने बताया कि उनका फेवरेट है, अगर आप गुड़ भी अर्पित करते हैं तो वो बहुत जल्दी फलदायी होगा। गुड़ जो है खास करके कई जो देवी देवता हैं उनको चढ़ाया जाता है, प्रिय होता है उनका। तो आप जो है गुड़ अर्पित करके भगवान गणपति को बुधवार के दिन कहीं ना कहीं प्रसन्न कर पाएंगे और अपनी मनोकामना को पूरा कर पाएंगे। सो ये सारी कुछ बातें थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, जो मेरे नॉलेज में थी। और मैं चाहती हूँ कि ये जो पूजा पाठ से रिलेटेड कुछ बात है, मैं आपको बता दूँ कि पहले के ज़माने में लोग इतना ज़्यादा पुराण या किताबें नहीं पढ़ते थे। पहले के जो लाइफ स्टाइल होते थे वो ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते थे। खेतों में काम करना होता था, पहले गेहूं से आटा बनाना होता था, देर आफ्टर रोटी बनानी होती थी। तो इतना ज़्यादा लाइफ स्टाइल हार्ड था कि वो लोग पूजा पाठ से रिलेटेड चीज़ नहीं करते थे। लेकिन कुछ एक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनके नॉलेज में रहती थी और इन्हीं सारी चीज़ों को वो फॉलो करते थे, जिससे उनका मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा होता था। अब आज देखिए, आजकल के समय में है कि हम हमेशा मतलब उधेड़ बुन में लगे रह रहे हैं, बिजी रह रहे हैं, फिर भी मतलब हम चाह रहे हैं कि किसी तरह से हम भगवान को अगरबत्ती दिखाएं और हम उनसे चीज़ों को प्रार्थना करें ताकि हमारे जीवन में वो सारी चीज़ें अच्छी हो जाए, लेकिन वो फिर भी हमारी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। तो हमें क्या करना होगा ना कि हमें अपने दिखावा परस्त जीवन से बाहर आना होगा। कुछ एक चीज़, कुछ एक नियम हमें फॉलो करने होंगे। और ख़ास तौर से जब आप, हर एक आदमी ग्रह से प्रेरित होता है, आपका जो भी ग्रह है, जैसे मैं बताऊं कि फ़िलहाल मुझ पर राहु की महादशा चल रही है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं मेरे इश्यूज़, मुझे पता है कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। और मुझे बताया गया है कि हनुमान जी के शरण में जाने से राहु जो है काफ़ी ज़्यादा ठीक रहते हैं। और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, उपाय हैं जो कि किया जा सकता है, तो मैं वो करने की कोशिश कर रही हूँ। बट फिर भी मैं, जैसा कि मैंने बताया कि अभी मैं कान्हा जी की ओर काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइन हूँ, तो मेरे डेली रूटीन में उतना समय भी नहीं मिलता है। जो समय मिलता है मैं कान्हा को समर्पित करती हूँ। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि राहु से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, तो मंगलवार के दिन अगर मुझे हनुमान जी का मंदिर मेरे पास में है तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल के एटलीस्ट दर्शन करना चाहूँगी। कुछ नहीं तो चलो ठीक है, अगर मैं घूमने जा रही हूँ, रास्ते में अगर मंदिर है तो मैं यहीं से घर से ही शुद्ध होकर जाऊँगी कि मैं वहाँ पर कुछ लड्डू वगैरह मैं उन्हें अर्पित करवा सकूँ पंडित जी के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करें। कोई ना कोई ग्रह आपको हमेशा परेशान करता रहता है, तो इसलिए बुध से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं सारे इश्यूज़ आपको भगवान गणपति सॉल्व करके देंगे, ख़ास तौर से इस गणपति उत्सव में।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करिएगा अपने नियर्स एंड डियर्स में, सो दैट कि उनकी भी परेशानियाँ दूर हो सके। और अगर आपको लगता है कि गणपति से रिलेटेड कोई और बात रह गई है तो आप ज़रूर मेरे साथ कमेंट में शेयर करें, सो दैट कि मैं अगले वीडियोज़ में अपने सब्सक्राइबर्स सभी से उनको शेयर कर सकूँ और उनकी परेशानियाँ भी दूर हो सके। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।